हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स फॉर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की आईसीएसई बोर्ड वालों ने जो बुक न्यू लगाई है कैंडिडेट एवरग्रीन पब्लिशर की, ठीक है, बाय संजीव बब्बर, वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट न्यू बुक है, इसके सभी जो वीडियोस हैं वो न्यू डाल रहे हैं हम। नाउ स्टूडेंट, आज हम आपकी डिमांड पे नाइन्थ क्लास का जो थर्ड चैप्टर है एक्सपेंशन, वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है आपने इसके जैसा आपने एट में भी किया हुआ है आइडेंटिटीज वाला, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सभी आइडेंटिटीज जो है फर्स्ट पेज पे आपको चैप्टर के दी हुई हैं। इन सभी के अकॉर्डिंग आगे आपको एक्सरसाइज में सम आएंगे, तो इन सभी को आपने लर्न करना है, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लर्न हो गई, इट मींस आपको चैप्टर जो है वो बहुत इजी लगने वाला है। तो टोटल यहाँ पे आइडेंटिटीज आपको दी हुई हैं 21, तो 1-1 करके आपके पास इसके सम है। फर्स्ट आइडेंटिटी है जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो 3.1 एक्सरसाइज है हमारे पास, उसमें देखो जरा, फर्स्ट सम जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी फर्स्ट नंबर है वो a और जो सेकंड है वो क्या होगा b, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो साथ साथ आइडेंटिटी याद करनी है आपने, प्रैक्टिस करनी है, तभी इजी लगेंगे ये वाले साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें बहुत खुशी होती है जब आपके मैसेज आते हैं कि आप हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हो और आपके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपको मैथ्स भी अच्छे से समझ आ रहा है। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। अब जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। और वो भी जो बाहर जाके पैसे वेस्ट करते हैं, वो घर पे ही बैठ के अपनी स्टडी पे ध्यान दें और देखना उनको कितने अच्छे से मैथ्स आ जाएगा। नाउ फर्स्ट देखो जरा, अब कई बच्चे मैसेज करते हैं कि कितनी, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कोई 21 आइडेंटिटीज है, अब आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, है ना। ये मोस्टली आप जो क्वेश्चन है वो करते हो मैसेजेस में। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन आए, मान लो जैसे यही सम है, तो आपने सबसे पहले जो आइडेंटिटीज लर्न की है उनके अकॉर्डिंग ये देखना है कि ये किससे मैच कर रही है, ठीक है। एक तो इसका होल स्केयर है पूरे का, ठीक है, और दो ही नंबर है यहाँ पे, बीच में प्लस का साइन है। और जब आपने लर्न की होंगी अच्छे से आइडेंटिटीज तो आपको तो फटाफट से याद आ जाना है कि ये तो a प्लस बी का होल स्केयर की आइडेंटिटी है। तो बस इसे लगा दोगे, क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कोई कोई जो है वो a 2ab को पहले लिखते हैं, बी स्क्वायर को बाद में, तो किसी भी तरह से आप दोनों तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो है आइडेंटिटी यूज होनी है, कोई भी हमारे पास प्रीशियस चीज होती है तो उसको हम संभाल के रखते हैं ना, कीमती चीज है ना। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में डाल लेते हैं, ठीक है। ये आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी, साइड पर भी लिख सकते हो रफ में, ठीक है ना। यहाँ पे ए कौन है फर्स्ट नंबर, बी कौन है सेकेंड नंबर, तो इस तरफ आ जाएगा 4x/5 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। अब आंसर में यहाँ पे a है उसके प्लेस पे 4x/5 लिखो, हमने ऊपर पावर 2 है तो पावर 2 ही आएगा, प्लस का साइन। अब जैसे जैसे सम में है, आइडेंटिटी में है, वैसे ही आपने साइन लगाने हैं और a b के प्लेस पे b की वैल्यू फिल कर, ठीक है। नाउ b के प्लेस में लिखो क्या है, y/3, तो b के प्लेस में y/3 का स्क्वायर प्लस 2 into, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 2 into a into b। a कौन है 4x/5 into b कौन है y/3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 जा, अब यहाँ पे स्क्वायर देखो, ये तो आता है ना आपको 4x/5 को, ये 4x/5 को 4x/5 से मल्टीप्लाई करोगे, रफ में कर लिया करो चाहे सामने, ठीक है। 4 4 जा 16,
एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, 5 5 25। तो ये आ गया हमारे पास 16x² / 25। क्लियर, इजी है ना। नाउ यहाँ पे प्लस का साइन, अब y की पावर 2, y को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, 3 को 2 टाइम करोगे, 3 3 9। कई बार बेटा आप एग्जाम में जब हम पेपर चेक करते हैं तो क्या देखते हैं कि बच्चे क्या कर जाते हैं, 3 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर जाते हैं, 3 2 6 लिख जाते हैं। आता तो उनको होता है कि ये 3 को 2 टाइम करना, लेकिन वो जल्दबाजी में करते हैं ऐसा। तो आपने केयरफुली करना है जब भी सम करना है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको जितनी पावर है उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ये बात, ये याद रखना है आपने एग्जाम में भी। नेक्स्ट प्लस का साइन, अब यहाँ पे देख लो कुछ कटिंग हो रही है ऊपर नीचे, कुछ नहीं ना, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 और 5 3 15। साथ में क्या आ गया, वेरिएबल कौन से, एक्स वाई। क्लियर, अब कोई भी यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला नंबर है, ये वाई स्क्वायर वाला और ये एक्स वाई वाला, इसलिए ये सभी को हम ऐड नहीं कर सकते, सीधा ही यहीं पे आंसर कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट, बुक में पीछे आपको ये वाला जो नंबर है ये पहले दिया हुआ है और ये वाला बाद में, वो क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बोला था ना कि इसको आप पहले भी लिख सकते हो इसको बाद में। आपकी साम जो बुक है वहां पे शुरू में आपको फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है, उसका आंसर ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² है ना। तो अगर ऐसे होगा तो ये वाला नंबर का जो आंसर है, ठीक है, वो पहले ही आएगा सेंटर में, ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ये भी आपका गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हो आप। क्लियर, कितना इजी है ना, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तभी इजी लगेगा, ठीक है। नाउ जल्दी से बेटा जिन बच्चों को समझ आ गया फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी फ्रेंड्स आपके जो हैं अच्छे से स्टडी कर पाए। नाउ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ अब, वेरी गुड, कौन सा लग रहा है, a - b² इसका आंसर क्या होता है, a² yes + b² - 2ab। क्लियर है, नाउ इक्वल टू, ठीक है, बॉक्स में डालना है तो डाल लो, नहीं तो रहने दो ऐसे। नाउ a के प्लेस पे कौन है आपके पास, 5x माइनस b के प्लेस पे 1/4y का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे a के प्लेस पे 5x, ठीक है, b के प्लेस पे 1/4y, ये स्क्वायर ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट -2 a 5x और b जो है 1/4y। नाउ यहाँ पे हो गया ये a² + b² - 2ab, तो इनको स्क्वायर कर दो, 5 5 = 25x², ठीक है, प्लस 1 को 2 टाइम 1 ही आएगा, 4 को 2 टाइम 16y² माइनस, यहाँ पे कुछ कटिंग हो रहा है, यस, ये 2 के टेबल में 4 कट रहा है 2 पे, तो ऊपर 5x और डिनोमिनेटर में 2y। क्लियर, तो अगर आपको पीछे जैसा ही आंसर लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, x² यहाँ पे -5x/2y और ये 16 जो है 1/16y² लास्ट, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, नाउ थर्ड पार्ट जो है वहां पे a + b² ये रूट वाले नंबर हैं, तो रूट वाले नंबर भी तो आपको आते ही हैं, फर्स्ट चैप्टर में किया है आपने रैशनलाइज में, है ना। तो यहाँ पे इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 आ गया, बट x के पावर 2 तो है ना, अभी इसी का कैंसिल हुआ, तो x का 2 जो है वो कितना आ गया, x², जब 3 को 2 टाइम किया तब कैंसिल हुआ ये, और ये +3y², ठीक है, नेक्स्ट, अब बिना रूट वाला 2 है, ये रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये 2 √2 3 6 × x y, ठीक है, वो पीछे आपको पहले दिया हुआ है 6, तो वो पहले लिख लो, 2 √6 x y, ठीक है, +3y² आंसर।
क्लियर। नाउ फोर्थ सम में देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन ये जो ए स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब माइनस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो माइनस टू इंटू ए, ए कौन है ए स्क्वायर, बी, बी कौन है बी बाय टू, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है बी बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। नाउ टू की पावर, टू की पावर टू है तो टू टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू टू जा फोर, ए की पावर फोर। नाउ ये वाला टू आपस में ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये टू टू के साथ कैंसिल हो गया, वन आ गया। वन मीन्स ये वन टाइम ही ए स्क्वायर बी, ठीक है। इस तरफ बी को भी टू टाइम बी स्क्वायर, और टू टू को भी टू टाइम टू टू जा फोर, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, इजी है ना स्टूडेंट, प्रैक्टिस करो साथ साथ तभी इजी लगेंगे। नाउ स्टूडेंट 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड सम देखो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है, आइडेंटिटी जो है वो यूज होनी है। यहाँ पे आपके चैप्टर यहाँ शुरू होता है, वहां पे आइडेंटिटीज दी हुई है, है ना। तो ये जो 11 नंबर पे है आइडेंटिटी, ठीक है, ये वाली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। तो ये दोनों तरह से उसने लिखा हुआ है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो आंसर। अब यहाँ पे कुछ सम में माइनस के साइन यूज हुए हैं, तो स्टूडेंट सेम फार्मूला आपने यूज करना है। अगर b के साथ ये a प्लस बी प्लस सी, b के साथ माइनस है, तो जहां जहां b फॉर्मूले में आएगा वहां आपने माइनस टू भी लिखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसको सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करने पे साइन दो हो तो ऐड का साइन आ जाता है, ठीक है ना, एक है तो आंसर में माइनस आएगा, ठीक है। नाउ देखो इसको पहले फॉर्मूला लिख लो, अगर आपको मुश्किल लगती है ना एक दो सम आप फॉर्मूला लिख के किया करो, फिर इजी हो जाएगा, आप फटाफट से बिना फॉर्मूले के भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट नंबर a, सेकंड b, थर्ड c, ठीक है। तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या आएगा, थ्री ए का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे माइनस टू बी का स्क्वायर, ठीक है, c के प्लेस पे 5c का स्क्वायर प्लस, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखना है आपने। ये तीन तीन है ना, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई चाहे डाल लो, चाहे ब्रैकेट का साइन डाल लो इनमें, चाहे डॉट का साइन डाल लो, ठीक है। नाउ a 3a b माइनस 2b, अब माइनस लगाए तो सब में ब्रैकेट डाल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि साइन आ जाएगा ना यहाँ पे। नाउ प्लस का साइन, 2 इंटू बी सी, बी क्या है माइनस 2b और c 5c, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पहुंचे हम 2 इंटू सी, सी क्या है 5c और a, a क्या है 3a, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आपको आता है करना, 3 को 2 टाइम 9, a को 2 टाइम 9 ए स्क्वायर, नाउ माइनस को 2 टाइम प्लस हो गया, ठीक है। ये हमेशा ही दो साइन पहले प्लस के ही आने हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर जब भी होता है तो माइनस को वो क्या कर देता है प्लस। यहाँ 2 2 जा 4, ठीक है, b की पावर 2, नेक्स्ट 5 5 जा 25 और c की पावर 2। अब ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि a की पावर b की पावर c की पावर जरूर लिखनी। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में भी हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर को तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेकिन सेकंड वाला जो ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। तो इसको b लिखना है आपको, क्लियर। नाउ इन तीनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को और इन तीनों को, ठीक है। अब इसमें देखो कोई प्लस का साइन है यहाँ, माइनस का साइन है, यस एक ही साइन है ना, तो आंसर में आएगा, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 2 12, और साथ में वेरिएबल कौन से हैं, ए बी, ठीक है। नाउ ये ए की साइन है माइनस का, ठीक है। 2 2 4, 4 5 20, साथ में बी सी, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट में कोई माइनस का साइन नहीं, मीन्स प्लस का ही रहेगा। 5 2 10, 10 3 30, और साथ में क्या है, सी ए, क्लियर। ये आ गया आपका आंसर, इजी है ना। लेकिन साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस करो, बहुत इजी सम है, अगर प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तो आपको फटाफट से आ जाएंगे। नाउ जल्दी से स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इजीली सीख पाए, ठीक है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो आप अगेन वीडियो चलाओ और साथ साथ लिख के देखो, बुक सामने रखो, कॉपी पेन लो, प्रैक्टिस करो, तब आएगा, ठीक है। अब तो बहुत इजी हो गया पढ़ना, वीडियो ऑन की, यहाँ से नई स्टेप आया, फिर पीछे गया, पोज किया और लिख के देखा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ए और सी के साथ माइनस का साइन है तो इनको ऐसे ही रखोगे, जहां पे ए आएगा वहां पे माइनस का साइन साथ में बी के प्लेस पे, सी के प्लेस पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब याद हो गया आपको, ठीक है। तो सीधे लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है। अब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 5 5 25 25y स्क्वायर, ठीक है। नाउ 3 3 9 9z स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों में देखो, यहाँ पे एक माइनस का साइन है ना, तो आंसर में आएगा, ठीक है। 2 2 4, 4 5 20, xy, next, इन तीनों में भी एक साइन है ना, ठीक है, माइनस का, तो आएगा आंसर में 2 5 10, 10 3 30, साथ में y z, ठीक है। नेक्स्ट 2 साइन आ गए यहाँ पे माइनस के, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 6 2 12, 12 के साथ क्या आ गया, z, और साथ में x, ठीक है। ये केयरफुली करना है आपने, 2 लाइनों का सम है, लेकिन इसमें भी आपने हर एक पॉइंट जो है वो केयरफुली सॉल्व करना है, एक भी साइन गलत हो गया ना तो पूरा सम गलत हो जाना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है। प्रिय स्टूडेंट ये आ गया आपका आंसर, अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, तभी इजी लगेंगे ये वाले सम। नाउ स्टूडेंट सेकंड का फोर्थ जो पार्ट है, यहाँ पे अलग से आइडेंटिटी है, ये देखो ये पूरा स्क्वायर है इसका, और इस तरफ भी बीच में माइनस का साइन है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो ए है और अंदर वाले, ठीक है, ये बी, इन दोनों को एक बार प्लस करके लिखना है, एक बार माइनस करके, इस तरह से ये पहले ए, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट डाल लो, ठीक है, प्लस बी, बी कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, स्क्वायर नहीं अब लिख देना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं ना, ये तो क्वेश्चन में अब आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है। ब्रैकेट ए प्लस बी, और अब ए माइनस बी, ए कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और माइनस बी कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्लियर। नाउ दोनों को ऐड कर लो, प्लस का साइन है तो साइन तो चेंज होने नहीं, सीधा ही ऐड कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। कितने आ गया यहाँ पे, ये 2x स्क्वायर, और ये वाला जो है ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, ये 1 1 2, क्लियर।
नेक्स्ट ब्रैकेट में ये जब माइनस का साइन, माइनस का है ना साइन ब्रैकेट के बाद, तो इसको जब खोलोगे ब्रैकेट को तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, इस तरफ एक्स माइनस का और ये माइनस का, ये दोनों क्या हो गए माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और इधर माइनस टू एक्स, और यहाँ पे ये वन प्लस का और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अकेला टू एक्स आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ टू कॉमन निकल रहा है, ठीक है। इसको अगर आगे लेके आए माइनस टू एक्स और ये वाले टू जो है कॉमन जो निकला वो बाहर आ गया यहाँ से, और ये अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। कितना आ गया माइनस फोर एक्स बाहर, और ये टू तो कॉमन निकल गया ना, वन आएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन आंसर। क्लियर है? क्या किया सबसे पहले हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो ए है, सेकंड वाली बी, दोनों को पहले ऐड किया फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट जब किया तो दूसरे ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वहां पे एक्स स्क्वायर वाला कट गया और वन वाला कट गया, इन दोनों में से टू कॉमन निकल गया, ठीक है, बाहर। और यहाँ पे माइनस टू एक्स जो बचा उससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस फोर एक्स बाहर आ गया और अंदर यहाँ पे क्या बचा था एक्स स्क्वायर प्लस वन। टू जब बाहर निकाल लोगे कॉमन तो यहाँ पे भी वन, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे वन, ठीक है। क्लियर है? इजी है सम, लेकिन बेटा प्रैक्टिस के साथ आएंगे, प्रैक्टिस करो साथ साथ, लिख के देखो फिर आने। तो स्टूडेंट देखा कितना इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी वाइज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।